साहब गाइस ये क्या है, इसको देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब रुको मैं आपको दिखाता हूँ आखिर ये है क्या भाई। ओ माय गॉड, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं देख पाऊंगा। ये देखो गाइस, इतनी सारी थॉमस स्कैरी थॉमस ट्रेन्स। और गाइस देखो ये इतनी सारी है कि मैं इनको एक्सप्लेन कैसे करूँ। ओ माय गॉड, इनके चेहरे देखो कितने डरावने हैं गाइस। और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 5 हैं जो कि गाइस एक सीक्रेट टनल हैं। और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सभी के अंदर जाने वाले हैं और फिर देखते हैं कि गाइस क्या होता है। यार मुझे लगता है कि इनके अंदर जाने के बाद ये पक्का हमारे ऊपर अटैक करने वाली हैं और अटैक करने के बाद शायद ये हमको मारने की कोशिश करेंगी। लेकिन हम लोग गाइस बिल्कुल भी इनसे नहीं मरने वाले, हम लोग इनको पहले मारेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। सो गाइस पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग पहले कौन सी वाली थॉमस के अंदर जाएं, क्योंकि ये सारी की सारी गाइस सेम ही लग रही है मेरे को, बट इनका जो कलर है वो थोड़ा चेंज है। सो पहले कौन सी में जाएं? ओके हम लोग जा रहे हैं पहले इस ब्लू वाली में, क्योंकि ये मेरे को थोड़ी ज़्यादा खतरनाक सी लग रही है भाई। देखो इसकी आँखें रेड रेड हैं, मतलब वैसे तो ये प्यारी है लेकिन जिसकी आँखें हैं उससे ये स्कैरी बन चुकी है गाइस। लेकिन ये आमतौर पर है तो स्कैरी ही ना। सो गाइस लेट्स गो, रेडी हो जाने के लिए? सो गाइस रेडी स्टेडी एंड गो। ओके ओके गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर। तो जैसे कि ट्रेन ब्लू ब्लू थी तो यहाँ पे पूरा ब्लू ब्लू ये सब कुछ, यहाँ पे कुछ और कुछ है नहीं यहाँ पे। सो ट्रेन तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे बना हुआ एक सीढ़ियाँ। तो चलो इन सीढ़ियों के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। सो लेट्स गो। ओके फाइनली ओके आ चुके हैं। ओके ओके डन है, डन ओके आ चुके हैं हम लोग। ओके यहाँ पर और भी सीढ़ियाँ हैं भाई, जो चलते हैं अंदर देखते हैं यहाँ पे क्या है। अरे भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है गाइस, यहाँ पे रखा हुआ है चेस्ट। और चेस्ट के अंदर क्या है भाई, चेक करो, कुछ भी नहीं है। ओ यहाँ तो कुछ उतना खास है नहीं, चलते हैं ऊपर देखते हैं। बट ये ट्रेन कहाँ चलेगी भाई, चलो देखते हैं ऊपर। ऊपर तो नहीं है भाई ट्रेन। ओ ट्रेन की पटरी, वाओ वाओ रेलवे स्टेशन है ये। ओ ये रही थॉमस, और शायद इसने हमें अभी देखा नहीं है। देखते हैं गाइस। तो गाइस चलो पहले थॉमस से बात करते हैं, देखते हैं थॉमस से बातें करेगी या फिर नहीं। थॉमस थॉमस कैसी है भाई, कुछ बोल क्यों नहीं रही है। ओ डायमंड, वाह यार। लेकिन गाइस ये थॉमस है वो हमसे बातें नहीं कर रही है। ओ ओ माय गॉड, वो जाग चुकी है और आई थिंक वो अभी तक सो रही थी भाई। नो भाई नो, तेरे को क्या हो गया भाई, नो भाई तेरे को क्या हो गया, तू पागल हो गया। बट ये तो आ रही है गाइस, भागो यहाँ से। ओ माय गॉड गाइस यहाँ पर चेस्ट है। ओके मेरे को मिल चुका है, वो शायद से मर जाएगी बोस से। लेकिन बोस से कुछ भी नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है। आई थिंक ये हमारे पास ही आती जा रही है। ओ नो प्लीज थॉमस प्लीज स्टॉप। ओके ओके नहीं 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 भाई भाई बचा ले प्लीज, मेरे को भगवान बचाओ। ओके गाइस फाइनली मैंने इस थॉमस को मार दिया है आपके भाई ने फाइनली। ओके तो हम जाने वाले हैं अपने घर पे दोबारा से। सो गाइस लेट्स गो, बहुत देर के ओके मैंने फाइनली इसको मार दिया। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं उसी प्लेस के ऊपर जहाँ से हम लोग गए थे। और ये कौन है, गोरिल्ला? अबे तू कौन है भाई, ओए 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 कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अबे नहीं नहीं अरे वहाँ मत जा, अबे नो नो भाई गोरिल्ला। अबे ये कहाँ जा रहा है काला बंदर? गाइस ये काला बंदर चला गया इस थॉमस के अंदर। सो हमको जाना पड़ेगा इसके अंदर गाइस, तो हम भी चल रहे हैं इसके अंदर थॉमस के अंदर, क्योंकि हम लोग जो फर्स्ट वाली थॉमस है उसको मैंने लेवल अप कर लिया है। और अब बारी है सेकंड वाली थॉमस को देखने का कि आखिर ये कैसी है और आखिर ये मतलब ये करती क्या है। जो चेक करते हैं क्या होता है हमारे साथ। सो लेट्स गो। ओके फाइनली ये जो सामने खड़ा हुआ मेरे गोरिल्ला ब्लैक वाला, और ये रही भाई ग्रीन वाली। और भाई मतलब इन दोनों की फाइट शुरू हो चुकी है गाइस, ये गोरिल्ले की और इसकी फाइट शुरू भी हो चुकी है और मेरे को पता भी नहीं लगा भाई, मतलब हमसे आने से पहले हो चुकी है। तो चलो देखते हैं इन लोगों की फाइट में कौन जीतेगा भाई, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा भाई। अरे भाई फाइट जो अभी खतरनाक हो रही है भाई साहब। अरे भाई मतलब इस थॉमस ने गोरिल्ले को मार दिया यार, मतलब ये काफ़ी स्ट्रांग है क्या? तो हम लोग कैसे फाइट कर पाएंगे गाइस? रुको रुको रुको, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा ऊपर इस मर्द से, ताकि भाई मैं बच पाऊँ, वरना ये हमको मजान से मार देगी। ओ यार ये क्या हो गया इतनी जल्दी यहाँ पे गाइस? देखो यहाँ पे कुछ बना लिया इसने, पता नहीं क्या बनाया है। और ये कर क्या रही है भाई, ओए होए भाई साहब गाइस देखो ये क्या कर रही है। रुको मैं हमको इसको ऊपर से मार रहा है इसको, और शाय ओके हमने इसको ऊपर से खड़े होकर मार भी दिया भाई, मतलब 2 सेकंड के अंदर, और ये मर भी गई भाई साहब। गाइस देख रहे हो इतने सारे डायमंड मिल चुके हैं मेरे को। अबे मेरे को दे थोड़े से, मेरे को दे भाई। अबे चार नीचे चल। चलो गाइस हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब गाइस हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ दोबारा से, क्योंकि हमें अभी दूसरी और ये थॉमस के अंदर भी तो जाना है। सो लेट्स गो गाइस, हम लोग वहीं पे आ चुके हैं। देखो यार क्या है? ये जो प्लेस है वो मेरे दिल को छू चुकी है, ये काफ़ी प्यारी प्लेस लगती है मेरे को, बहुत ही सुंदर लगती है। सो अब बारी है तीसरी वाली थॉमस के अंदर जाने की, जो कि एकदम खूंखार रेड थॉमस है। और आपको तो पता है कि रेड कलर एक भूतिया कलर होता है, तो ये मेरे को काफ़ी भूतिया लग रही है और काफ़ी खतरनाक भी लग रही है देखने में गाइस। देखो इसका चेहरा एक बार।
सो ट्राई करते हैं पहले इसके अंदर और देखते हैं कि ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है हमारे लिए। सो गाइस चलने के लिए रेडी हूँ मैं, क्या आप लोग रेडी हो? सो गाइस चलो लेट्स गो। सो हम लोग जा रहे हैं रेड थॉमस के अंदर। ओके हम लोग ये देखो आ चुके हैं नेदर पोर्टल के अंदर। यहाँ पर देखो ये रही भाई रेड वाली, ओ थॉमस जो कि यहाँ फाइट कर रही है नूब से और इसने नूब को जान से मार। तो गाइस देखो ये रही हमारे सामने रेड वाली थॉमस जो कि काफी खतरनाक तरीके से इतनी स्पीड में भाग रही है। ओए होए 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 रुचा प्लीज स्टॉप इट भाई थॉमस थोड़ा हम पे रहम कर ले प्लीज भाई, हम भी एक इंसान ही है, कोई जानवर तो है नहीं जो कि तुम्हें इतनी बुरी तरह मार रही है भाई, आराम से। सो गाइस रुको मुझे मिल चुका है बॉस, इसको मारता हूँ। ओके इसको एरो से मार दूंगा एक ही बार में। ओके भाई लेकिन सब मूवमेंट काफी तगड़ा है भाई, कितनी तेजी में ही मूवमेंट कर रही है यहाँ से वहाँ। लेकिन रुको मैं इसको मार कर रहूंगा। ओ भाई रुक जा भाई, कितना भागी, रुक जा। ओए प्लीज। ओए ओ माय गॉड तो बड़ी हो चुकी है भाई, ये तो बड़ी हो चुकी है यार, अब क्या करें गाइस, अब क्या करें, उल्टे फंस चुके हैं हम लोग तो। ओ माय गॉड लगता है हमारा पोपट होने वाला है यहाँ पे। और गाइस वो ये तो आग फेंक रही है यार काफी देर से, अबे यार आग फेंकना बंद कर प्लीज। ओए चूचू चार्लिस बन चुकी है, ओए माय गॉड चूचू चार्लिस बन गई थी ये तो। गाइस यार मेरे को डर लग रहा है बहुत ज्यादा यार, गाइस ओह माय गॉश भागो यहाँ से यार, यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं है, भागो यहाँ से भाई। सो गाइस हम लोग फाइनली वहीं पे आ चुके हैं जैसे हम लोग गए थे, और भाई मानना पड़ेगा गाइस रेड वाली जो थॉमस थी तो बहुत ही खतरनाक थी यार, मानना पड़ेगा इस बात को यार, मतलब मैं एकदम जान गई कितनी खतरनाक थी। और अब देखते हैं इस वही एक काफ़ी खतरनाक सी चेहरे वाली मोमोगल है, सॉरी काफ़ी खतरनाक सी चेहरे वाली ये थॉमस है, चेक करते हैं इसका क्या हाल है और आखिर ये कैसी है भाई। रेड वाली तो मैं देख रही हूँ काफ़ी खतरनाक थी, और देखते हैं इसका क्या हाल है भाई, लगता है ये भी काफ़ी खतरनाक होगी। ओके गाइस अब मेरे को डर तो बहुत लग रहा है। ओ भाई चल दिया तू, चल मैं भी आ रहा हूँ। ओके गाइस लेकिन डर तो लग रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा भाई क्योंकि खतरों के खिलाड़ी हैं हम लोग। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर, देखो एक विलेजर खड़ा हुआ है और ये पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मगलिंग कर रहा है पता नहीं क्या कर रहा है चीज़ों की। ये तो गाइस मिलिट्री के हेलमेट है क्या, हाँ पता नहीं क्या यहाँ पे क्या भाई, इतने सारे लोग मरे हुए पड़े हैं, देखो इतने सारे स्कल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। ओ भाई लोगों को मार रखा है इतनी बुरी तरह से, मतलब यहाँ पे लोगों को बंद कर देते हैं क्या ये कोई, हाँ पता नहीं क्या जेल वगैरह है क्या ये। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। ओ ये क्या है यार ग्रीन गाइस यार, पता नहीं ये कैसा पानी है। ओ नहीं अबे नहीं ना, ओ माय गॉड ये नूब को क्या हो गया भाई। गाइस देखो नूब जैसे उस पोशन के अंदर गिरा और नूब पता ही बन चुका है एक थॉमस ट्रेन, और विलेजर को भी मार दिया इस थॉमस ट्रेन ने, और शायद ये मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ चुकी है, लेकिन काफ़ी छोटी है यार, इतनी छोटी क्यों है, भागो यहाँ से भाई भागो। ओके गाइस हम लोग दोबारा वहीं पे आ चुके हैं, मैंने देखा जो यूएल ट्रेन थी वो काफ़ी खतरनाक थी, ये जो थी वो एक सिंपल ट्रेन थी जो कि बहुत छोटी सी थी, तो इसने हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन जो नूब है वो बेचारा मर गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जा रहे हैं हम लोग लास्ट वाली थॉमस के अंदर, देखते हैं ये कितनी खतरनाक है गाइस, लगता है ये काफ़ी खतरनाक होगी। सो हम लोग आ चुके हैं लास्ट वाली के अंदर, वो रही हमारे सामने लास्ट वाली थॉमस, और ये तो काफ़ी खतरनाक लग रही है मेरे को। ओए ओए यहाँ मत आ, अरे भाई यहाँ मत आ प्लीज भाई, अरे यहाँ मत आ अबे अबे भाई यार गाइस ने हमको मार दिया यार। सो हेलो गाइस मैं हो चुका हूँ यहाँ पे रिस्पॉन नूब के साथ, तो अब हम ओ माय गॉड ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर भी आ चुकी हैं ये लोग, लेकिन भाई मैंने आखिर किया क्या है तुम्हारा जो यहाँ पे आ चुकी इतनी सारी थॉमस मेरे घर में अटैक करने के लिए मेरे ऊपर भाई, लेकिन मैंने क्या बिगाड़ा है इन लोगों का, लगता है गाइस ये लोग बहुत गुस्सा है मेरे से, लेकिन मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं हूँ अभी, मैं तो बिल्कुल जस्ट अभी भी स्पॉन हुआ हूँ दोबारा से। गाइस लगता है ये अपने थोड़ी देर पहले का बदला मेरे से लेने के लिए आई है, और ये क्या यहाँ पर ये किसी को स्पॉन कर रही हैं, लेकिन किसको स्पॉन करनी है बोले बताओ तो मेरे को भाई, पहले मेरे को बता दो प्लीज। ओए भाई किसी को स्पॉन मत करो भाई, तुम अकेली ही काफी हो। अरे भाई मेरे को ओ पोर्टल, लेकिन क्यों वो ये तो जा रही है गाइस, ये सब तो जा रही है पोर्टल के अंदर, लेकिन ये जा कहाँ पे रही है, और इन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर रही क्यों नहीं किया गाइस, कोई ना कोई यहाँ पे घपला है, कोई ना कोई यहाँ पे दाल में कुछ काला है भाई, या फिर कोई दाल ही काली है, कुछ तो गड़बड़ है दया। सो गाइस चलते हैं और अंदर हम लोग भी देखते हैं आखिर अंदर क्या है, तो चलते हैं।